नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 93 रन के बाद अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने घरेलू फिरोज शाह कोटला मैदान में कोलकाता नाइट राइडर्स को 55 रन से हरा दिया और लीग में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर कोलकाता को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन पर ही रोककर 55 रन से मैच जीत लिया। गौतम गंभीर की जगह कप्तानी संभालने वाले अय्यर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 40 बॉल पर नाबाद 93 रन बनाए। अय्यर ने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 10 छक्के लगाए। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने अपनी इस धमाकेदार पारी के लिए केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक का शुक्रिया अदा किया। इस मैच में केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अय्यर का कहना था कि वो भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन केकेआर से टॉस हारने की वजह से उन्हें पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। दिनेश कार्तिक का यह फैसला अय्यर के लिए संजीवनी साबित हुआ और अय्यर ने अपने करियर की बेस्ट पारी खेली। अय्यर ने कहा, पहली बार कप्तान के रूप में जीतकर काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। सभी खिलाड़ियों ने जीत के लिए अहम योगदान दिया। हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अच्छा हुआ हम टॉस हार गए और केकेआर के कप्तान ने बैटिंग के लिए हमें चुना। अय्यर ने युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की भी जमकर तारीफ की और कहा कि पृथ्वी शॉ ने मौके का सही फायदा उठाते हुए टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। कोलिन मुनरो और पृथ्वी ने टीम को अच्छी शुरुआत दी, जिसके बाद बाकी के बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो गया। इसके अलावा अय्यर ने तेज गेंदबाज लियम प्लंकेट की भी तारीफ की। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।